दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को महान बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच में भारतीय टीम ने सुपर ओवर में दर्ज की शानदार जीत। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच खेला गया। दरअसल इस मैच का रिजल्ट सुपर ओवर के जरिए निकला। इस मैच के दौरान सुपर ओवर में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से एक ऐसी आंधी लगा दी जिसके सामने बांग्लादेश की टीम चारों खाने चित हो गई। तो आखिरकार कैसे सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने सुपर ओवर के अंदर ही बांग्लादेश की टीम को पहले टी20 मैच में बुरी तरीके से हराए, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और रिंकू सिंह में से कौन है भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज खेली जा रही है जिसका शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टी20 मैच चेन्नई के चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस बीच बांग्लादेश की टीम ने 20 ओवर के अंदर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 185 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए, जहां पर शाकिब अल हसन ने सर्वाधिक 85 रन का योगदान दिया। तो वहीं लक्ष्य का पीछा करने आई भारतीय टीम भी मात्र 185 रन बना पाई, जहां पर भारतीय टीम पूरी तरीके से ऑल आउट हो गई। इस बीच अंतिम ओवर में जीत के लिए मात्र 15 रन की आवश्यकता थी और भारतीय टीम 14 रन बना पाई और मैच बराबरी पर पहुंच गया, जिसके चलते इस मैच का रिजल्ट अब सुपर ओवर मैच के रोमांच के जरिए देखने को मिला था। दोस्तों सुपर ओवर के अंदर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी के लिए मोहम्मद सिराज आए, तो वहीं बल्लेबाजी पर लिटन दास और साकिब अल हसन मौजूद थे। इस दौरान मोहम्मद सिराज के सामने पहली ही गेंद पर लिटन दास ने सामने की तरफ छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए छक्का लगाया, तो वहीं अब दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त तरीके के जरिए लिटन दास को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान नजमुल संतो आए। इस दौरान मोहम्मद सिराज ने कप्तान नजमुल संतो को 1 रन बनाने पर मजबूर कर दिया और स्ट्राइक शाकिब अल हसन को दे दी, जिसके बाद मोहम्मद सिराज ने चौथी गेंद बिल्कुल पैरों पर डाली, लेकिन शाकिब अल हसन ने चौका गैप में निकाला और एक बार फिर से 5वीं गेंद पैरों पर डाली जो बिल्कुल सटीक गिरी और 1 रन भी नहीं आया। लेकिन जब मोहम्मद सिराज ने अंतिम गेंद डाली तो इस पर शाकिब अल हसन ने आगे बढ़कर फुल टॉस पे तब्दील करते हुए चौके में तब्दील कर दिया और 15 रन बटोर लिए। ऐसे में अब भारतीय टीम को जीत के लिए 16 रन की जरूरत पड़ गई। हालांकि 16 रन का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर आई तो भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी पर सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह मैदान पर आए, तो वहीं गेंदबाजी की कमान सबसे बेहतरीन गेंदबाज का अगर हम जिक्र करते हैं तो तस्कीन अहमद को दी गई। इस दौरान तस्कीन अहमद के सामने 16 रन करने का बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उनके सामने टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और हरफन मौला बल्लेबाज रिंकू सिंह मौजूद थे इस दौरान। जी हां दोस्तों, तस्कीन अहमद ने पाले में गेंद डाली, जिसके बाद तो सूर्या ने अपना फ्लिक शॉट खेलते हुए छक्के के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला और दिखाया कि वो इस मुकाबले को जीतकर ही दम लेंगे। लेकिन इसके बाद में दूसरी गेंद पर तस्कीन अहमद ने शानदार वापसी की और बल्लेबाज सूर्या को परेशान किया। इस दौरान सूर्या के सामने उन्होंने स्लोअर गेंद डाली, क्योंकि उन्हें मालूम था कि रफ्तार से डाली गई गेंद को सूर्या दुगनी रफ्तार से बाउंड्री के पार पहुंचाने वाले हैं। ऐसे में अब उनका ये प्लान सही साबित हुआ और सूर्या छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद शाकिब अल हसन के शानदार कैच के चलते पवेलियन को लौट गए। इसी के साथ भारतीय टीम को तगड़ा झटका लग गया, जहाँ पर सूर्या 2 गेंद पर 6 रन बनाकर पवेलियन को लौटे, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल मैदान पर आए, जिनके सामने तस्कीन अहमद ने पहली ही गेंद पर यॉर्कर का प्रयास किया जो बिल्कुल सटीक जगह पर गिरी, लेकिन गिल ने उसको गैप में ढकेल कर 2 रन निकाले और अपना खाता भी खोला। हालांकि मुकाबला अभी भी दोनों टीमों के बराबरी में चल रहा था, लेकिन इसी बीच चौथी गेंद पर तस्कीन अहमद ने बांग्लादेश की टीम का पर्दा भारी कर दिया। जी हां दोस्तों, तस्कीन अहमद ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज शुभमन गिल को यॉर्कर गेंद डाली, जिस पर उन्होंने मात्र 1 रन लिया और दूसरी तरफ खड़े रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे दी। इस दौरान शुभमन गिल ने 2 गेंद पर नाबाद 3 रन बनाए, लेकिन अब मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक हो गया था, क्योंकि जीत के लिए अब मात्र 2 गेंदों पर 7 रन की आवश्यकता थी। इस दौरान गेंदबाजी कर रहे तस्कीन अहमद ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज रिंकू सिंह को परेशान किया और एक बेहतरीन यॉर्कर गेंद डाली जो बिल्कुल सटीक ठिकाने पर गिरी, लेकिन बल्लेबाज ने 2 रन बटोरे और अब मुकाबला का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि सिर्फ अंतिम गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की आवश्यकता थी। यानी भारतीय टीम को जीतने के लिए 1 छक्का लगाना था और ड्रॉ करने के लिए मात्र 4 चौका लगाना था। ऐसे में दोनों टीमों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव एक बार फिर से देखने को मिल गया। इसी दौरान गेंदबाज से कप्तान ने बातचीत की और तस्कीन अहमद ने भारतीय टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह को एक बार फिर से अपनी ताकत वाली गेंद छोटी डाली। इस दौरान ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए रिंकू सिंह ने भारत को जीत दिलाई। दरअसल गेंदबाज के द्वारा डाली गई इस गेंद का अंदाज़ा बल्लेबाज रिंकू सिंह को लग गया था, जिन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए धीमी गति की गेंद का फ़ायदा उठाकर मिडॉन के ऊपर से छक्का लगा दिया और भारत की टीम को जीत दिलाई। इस दौरान बल्लेबाज रिंकू सिंह ने 2 गेंद पर 8 रन की नाबाद पारी खेली और बल्लेबाज रिंकू सिंह ने जीत के साथ टी20 सीरीज की शुरुआत की। ऐसे में भारतीय टीम को मिली पहले टी20 मुकाबले में सुपर ओवर के दौरान जीत को देखकर भारतीय टीम मैनेजमेंट काफी खुश हुआ और ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद आगे भी की।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम को जीत मिल सकती है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।